सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी दैट इज नीट यू जी इन टेन इन टूडेज टू एंड द टॉपिक ऑफ फंजाई एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्यूटेरो माई ओके ड्यूटेरो माई सो वी हैव यू नो ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दाई सिटीजियो माई सिटीज एंड एस्को माई सो ड्यूटेरो माई को आप लोग प्यार से क्या बोलते हो आप इसे बोलते हो फंजाई इम परफेक्ट ओके आए इट मीन दैट दे आर कॉल्ड एज इम परफेक्ट फंगस क्यों क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल और आपके वेजिटेटिव फेजेस ही पाए जाते हैं इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल स्टेजेस देखने को नहीं मिलती सो so, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंगस कहा जाता है सेकंड इसके नाम के इनिशियल्स हैं डी ई जिससे आपको पता लगता है ट दे आर गोइंग टू बी द मेजर डिकम्पोजर्स तो अगर आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई आर गोइंग टू बेजर डिकम्पोजर्स देन दे आर गोइंग टू बी ड्यूटर ऑफ माइसिटीज आप इसके नाम की एनोलॉजी से ही डायरेक्टली पढ़ सकते हैं सो फॉर रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स अबाउट डिटर ऑफ माइसिटीज स्टेट यूड बिकॉज काफी सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एंड लेट्स क्रिकेट गाइड सो दिस आर समेडेंशियल ऑफ माइंड यू कैन हैव लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू एस अकेडमी एप दिस ऐप इज फ्री अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन और मैं रेकमेंड करूंगा यहां पर कि आप एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन उठाएं बिकॉज ये आपको कम्पेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप यू you नो know, इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर यू नो और योर सिबलिंग बेसिकली या फिर कोई जूनियर जो कि, कि किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है सो so, यहां पर विपिन नाम का रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे तो टेन परसेंट का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा इसके साथ आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं जो आपको कहीं और अवेलेबल नहीं होंगे एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग की आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाएंगे रेगुलर डिस्कशन और लाइव सेशंस के बेसिस पर जो है मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करता रहूंगा और कहीं अगर आप गलती करेंगे तो आपकी गलती को जो है हम लोग करेक्ट भी करते हुए चलेंगे सो देयर आर सम फैक्ट्स दैट वी ऑलरेडी न्यू सो so, उनको पहले देख लेते हैं दीज आर कॉमनली नोन एज इंपरफेक्ट पंजाए सो ड्यूटेरोमाइसिटीज को इंपरफेक्ट पंजाए कहा जाता है क्यों क्योंकि इसके अंदर ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस देखने को मिलते हैं यानी कोई भी सेक्सुअल फॉर्म यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता अगर कोई सेक्सुअल फॉर्म यहां पर डिस्कवर कर भी लिया जाता है तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखा जाएगा टेक्निकली अगर आप देखें तो टेक्निकली कैसे डिवाइड किया गया है इन सब चीजों को अगर फंगस है तो उसमें पहले से बोला गया है भाई कि अगर कोई सेक्शुअल है यानी जिसमें अगर फॉर्म्स और फेजेस है तो इसे आप लोग एस्कोमाइसिटीज में डालोगे या फिर आप इसे बेसिडियोज में डालोगे और अगर किसी में ओनली असेक्सुअल फेजेस है यानी सेक्सुअल का नाम और निशान तक नहीं है तो यहां पर आप इसे क्या करोगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में डालोगे यानी कि समझ लो मैंने कोई ड्यूट्रोमाइसिटीज डिस्कवर किया इस ऑर्गेनिज्म को मैंने डिस्कवर किया इसमें मैंने देखा कि हाँ यार असेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होती है कुछ साल बाद मैंने देखा माइन्यूटली मैं ऑब्जर्व किया और मुझे पता लगा कि यार यहां पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है तो मैं क्या करूंगा इस ऑर्गेनिज्म को फटाफट ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकालूंगा और एस्को और बेसिडियो में फेंक दूंगा डिपेंडिंग अपॉन देयर मेजर कैरेक्टर्स सो अगर कोई ग्रुप डिस्कवर हो भी जाता है ऐसा जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसे मूव कर दिया जाएगा टू द क्लासेज जिसकी यू you नो know, सही जगह पर उसे भेज दिया जाएगा ओके okay? सो so, ऐसा साइंटिस्ट काफी बार सोचते हैं कि हम असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज वालों को क्या करें एक पर्टिकुलर नाम के अंदर रख दें पर्टिकुलर कैटेगरी के, के अंदर रख दें जो कि है आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्सुअल स्टेजेस पाए जाती है उन्हें अनदर क्लास के अंदर रख दें अनदर नेम के अंदर रख दें जो कि है आपका कौन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज तो ये साइंटिस्ट भी सोच चुके हैं ओके सो लेटर जब लिंकेजेस एस्टेब्लिश होंगी या फिर अगर आपको पता लग जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल आपके स्टेजेस हैं तो क्या किया जाएगा इसे फटाफट से मूव कर दिया जाएगा फ्रॉम ड्यूटर और इसे जो है क्या किया जाएगा बेसिकली एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में से किसी एक में डाल दिया जाएगा हम हाँ लोगों ने क्या देखा था दैट द फाइकोमाइसिटीज इसमें क्या था इसमें बेसिकली आपका जो हाइफे था दैट वॉज सीनोसिटिक एंड दैट वॉज असेप्टेट यानी इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं थी इनके बीच में काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे जो कि सीनोसिटिक कंडीशन इसे प्रोवाइड कर रहे थे बट उसके बाद हमने एस्को और बेसिडियो में क्या देखा एस्को और बेसिडियो में हमने ये देखा कि आपका जो हाईफे है दैट इज ब्रांच एंड सेप्टेट यानी कि इस तरीके से ब्रांच और सेप्टेट यानी क्रॉस वॉल वाला आपका हाइफे यहां पर प्रेजेंट रहेगा यानी एक चैम्बर में आपका एक ही न्यूक्लियस मिलेगा आपको यहाँ पर कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी सो so, यहां पर भी क्या है में जो है सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल होते हैं क्योंकि सेक्सुअल साइकिल तो है ही नहीं जिन्हें आप कोडिया बोलते हैं कोनीडिया आपने कहा देखा था इससे पहले कोनीडिया आपने कोनीडियो फोर्स के ऊपर देखा था कि एक्सोजिनसली कुछ फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दीज आर द कोनीडियो फोर्स जिन्हें आप लोग कह रहे थे स्पेशलाइज्ड माइसीलियम सो दीज आर कॉल्ड एज अ कोनी और इन कोनीडियोफोर यानी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है आपका यहाँ पर कोनीडिया प्रेजेंट है जो कि आपके असेक्सुअल स्पोर होते हैं ये कोनीडिया फर्दर जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से कोनेडियो फोर या फिर आपका माइसीलियम बना लेते हैं माइसीलियम यहां पर सेप्टेट और ब्रांच होता है जस्ट लाइक दिस यानी कि एस्को बेसिडियो और ड्यूटेरो में आपका सेम तरीके का माइसीलियम प्रेजेंट होता है एंड फाइको में आपका बस अलग होता है आप इस तरीके से कंपेरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं सम मेंबर्स आर सेप्रोफिटिकोफिटिक होते हैं, dead or decaying matter पर ग्रो करते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं जबकि लार्ज नंबर है आपको याद रखना है सो so यह लिटर को डिकम्पोज करेंगे जिसकी वजह से मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प होगी फॉर एग्जाम्पल अल्टर एरिया ट्राइकोडर्मा सो एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है कडेट ओके okay, जो नए नए फौज में भर्ती होते हैं बेसिकली सो सी ए फॉर अल्टरनेरिया एंड डी डी फॉर फॉर योर ड्यूट्रोमाइसिट की किसके लिए ट्रिक बनी है एंड टी मीन्स योर ट्राइकोडरमा ओके ये चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है ऑल राइट सो यहां पर मिनरल रिसाइकलिंग कैसे करता है समझ लो कि यहां पर कोई पत्ती गिरी इसको खाया आपके फंगस ने बिकॉज सेप्रोफिटिक है तो डेडोडिकिंग मैटर पर ग्रो करेगा यहां से ऑर्गेनिक कॉन्टेंट पूरा निकाल लिया और थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक कॉन्टेंट भी यूज कर लिया बचा हुआ इनऑर्गेनिक कॉन्टेंट क्या हुआ अब सॉइल में तब्दील हो गया अब यहां पर सॉइल से प्लांट क्या करेगा उठा लेगा इस मिनरल को और यूज कर लेगा फिर जब प्लांट की लीफ डेड होंगी तो लीफ दोबारा से गिरेंगी इन लीफ में दोबारा से इनऑर्गेनिक जो कंटेंट होगा वो दोबारा से सॉइल में आ जाएगा फंगस की हेल्प से फिर दोबारा प्लांट उठा लेगा फिर दोबारा प्लांट के पार्ट डेड होंगे फिर दोबारा प्लांट उठा लेगा फिर दोबारा प्लांट के पार्ट डेड होंगे देर वुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल साइकिल ऑफ मिनरल साइकिलिंग दैट विल बी टेकिंग प्लेस जस्ट बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन दैट इज सप्लीमेंटेड बाय द ड्यूटेरोमाइसिटीज इन दिस पर्टिकुलर केस सो दे आर द मेजर डिकम्पोजर्स अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि फंगस में सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन कौन करता है दैट इज गोइंग टू बी योर ऑर ड्यूटेरोट गाइज सो आई होप दिस लेक्चर वॉज क्वाइट इंफॉर्मेटिव अगर आपको लेक्चर समझ में आया देन गाइज प्लीज डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस असन अपडेट फ्रॉम नीट यू जी इन टेन यहां पर गाइज अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है देन प्लीज मेक श्योर दैट यू विल बी यूजिंग दिस रेफरल कोड वेपन क्योंकि यहां पर आपको एडिशनल पर्कस मिल जाते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले और इसके साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में आप जो है डायरेक्टली ज्वाइन जाएं हो जाएंगे So, thank you so much, guys. Lots of love, and I'll catch you in the next video. Thank you.